सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जब तक सांस है तब तक संघर्ष है, और जब तक संघर्ष है तब तक उम्मीद है। अच्छा इंसान वही है जो दूसरों की भावनाओं की कद्र करता है। कठिनाइयों से मत घबराओ, ये ही तुम्हें मजबूत बनाती है। सच्ची सफलता वही है जो हमें संतोष दे। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, चाहे देर से ही क्यों न मिले। आज का पंचांग 9 नवंबर 2024 दिन शनिवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, रात्रि 10:45 तक रहेगी। इसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र सुबह 11:45 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:25 से 10:38 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर रात्रि 11:27 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए जरूरी सूचना, हमारा टेलीग्राम चैनल बन गया है जहाँ पर जल्दी प्रत्येक दिन एक सब्सक्राइबर का कुंडली बनाकर दिया जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा। तो जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिथुन राशि 9 नवंबर 2024 दिन शनिवार, सामान्यतः आप काफी स्पष्ट सोच रखते हैं लेकिन आज आप अपनी निजी समस्याओं और अपनी असुरक्षाओं से घिरे होने के कारण स्पष्ट नहीं सोच पाएंगे, इसलिए आज के दिन किसी नए काम को हाथ में लेने या नई साझेदारी के लिए उपयुक्त नहीं है। आपके आज के फैसले गलत हो सकते हैं, इसलिए भविष्य के कार्यक्रमों की योजना आज बनाना सही नहीं है। आज आराम करें, अपनी नई सफलता को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, उनसे भी जो आप पर निर्भर हैं। अभी आप भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। सावधानी से नेटवर्किंग करें और सुनिश्चित कर ले कि कौन आपका दोस्त है और कौन दुश्मन। उन रिश्तेदारों के साथ समय व्यतीत करें जिन्हें आपकी जरूरत है। नई शुरुआत के लिए आज का समय अच्छा है, हालांकि कुछ चिंताओं की संभावना है किंतु आप इन्हें अच्छे से संभाल सकते हैं। किसी यात्रा मुलाकात या समारोह के योग भी बन रहे हैं। असफल लोगों के पास बचने का एकमात्र साधन यह होता है कि ये मुसीबत आने पर अपने लक्ष्य को बदल देते हैं। इस राशि के जातक आज बुद्धि कौशल से लाभ पाएंगे। आप अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। अटका काम आपका आज पूरा हो जाएगा। सामाजिक क्षेत्र में किए कार्यों का प्रतिफल आज आपको मिलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको आज किसी सोचे हुए काम में सफलता मिलने की खुशी होगी। रचनात्मक दृष्टिकोण से किए गए प्रयास आज फलीभूत होंगे। विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में आ रही बाधा दूर होगी। विवाह योग्य जातकों के विवाह में संयोग बनेंगे। विवाह योग्य जातकों के विवाह के संयोग बनेंगे। रुचिकर भोजन का आनंद लेंगे। आज के दिन आपके लिए साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपके कुछ नया करने की आदत से आपके बॉस खुश रहेंगे। आप अपनी दिनचर्या को बेहतर रखने की कोशिश करेंगे। आप योग और व्यायाम पर पूरा ध्यान देंगे। यदि आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिलेगा तो आप उसके लिए आगे आएंगे जिससे परिवार के सदस्यों को भी खुशी होगी। किसी धार्मिक आयोजन में भी आपको सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। अनुकूल समय है, रुके काम बनते नजर आएंगे। नई योजनाएं बनाने और उन पर काम करने के लिए अच्छा समय है। चुनौतियों से घबराने के बजाय उनका मुकाबला करें। रचनात्मक और धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान रहेगा। किसी मित्र के साथ मुलाकात सकारात्मक साबित होगी। इच्छा शक्ति के बल पर वर्तमान स्थिति पर नियंत्रण, व्यक्तित्व की खामियां दूर करें। परिवार के लोगों के साथ संबंध बिगड़ने की संभावना है। आपको अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाना होगा। जो बातें नकारात्मक महसूस हो रही है उन पर ध्यान देते हुए उन्हें सुधारें। विदेश से संबंधित बड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं। रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आएगा, आपसे सामंजस्य बढ़ेगा। सावधानियां, इस बात का ध्यान रखें कि दिखावे के चक्कर में फिजूल खर्ची हो सकती है।
साथ ही कोई बड़ा झूठ बोलना भी भारी पड़ सकता है। विद्यार्थियों का अधिकतर समय दोस्तों के साथ गुजरेगा, जिसकी वजह से पढ़ाई में व्यवधान आएगा। घर में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले वरिष्ठ लोगों की राय लेना ना भूलें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक वातावरण सुखद बनाने में जीवन साथी का पूरा सहयोग रहेगा। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय नष्ट ना करें। आप अपने पार्टनर या अपने संबंध के बारे में चिंतित हो सकते हैं, लेकिन आज से ही स्थिति स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे काम और व्यक्तित्व की ऐसी बातें जो आपको पहले समझ नहीं आ रही थी, इससे आपको यह फैसला लेने में बहुत मदद भी मिलेगी कि आप इस संबंध में कितना निवेश करना चाहते हैं और इस तरह की और कितनी सीमाएं रखना चाहते हैं। समूह या क्लब में भागीदारी आपके सामाजिक सर्कल को बढ़ाएगी। आपका किस्मत आपको सफलता के रास्ते पर ले आएगा। साथ ही नए साथी से भी मुलाकात होगी। अपने दिल के भावनाओं को एक दूसरे से जरूर शेयर करें। यात्रा के समय दुर्घटना या सामान की चोरी से बचें। कोई यात्रा समारोह या पार्टी आज आपके कार्ड्स में है। नए रिश्ते बनाने और पुराने रिश्तों में नई जान डालने के लिए आज का समय अच्छा है। घरेलू उतार चढ़ाव नई योजनाएं और फ्रेश खोजें आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी किस्मत में एक लंबा और प्यार भरा संबंध है, बस जीवन में किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें। बात करते हैं करियर की। आज लक के साथ होने से आपका पूरा दिन खुश रहेगा। अपने साथी और शुभचिंतक के साथ बातचीत में आपको नए विचार आ सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होंगे। किसी सामाजिक गतिविधि या सोसाइटी में शामिल होकर आप इन पलों को एंजॉय कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन भी किसी समूह से जुड़ना काफी सरल है। आप इस समय किसी भी चिंता या परेशानी का अच्छे से सामना कर सकते हैं। आपकी व्यस्त दिनचर्या आज आपके लिए तनाव का कारण बन सकती है। लघु यात्रा, बैठक या सभा की भी संभावना है। कोई भी अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। काम का दबाव आप पर बढ़ेगा और आप उन चीजों से दूर हो सकते हैं जिनको करने में आपको आनंद आता था। आपको आराम करने के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा, इसीलिए आपको जीवन की छोटी बातों से आनंद लेना होगा। ये बहुत ही संतोषजनक और आपके सामान्य प्रयास की तुलना में कम खर्चीला साबित होगा। इसका अर्थ है कि आज कुछ अनावश्यक खर्च पर आप बचत कर पाएंगी। पूरी तरह अपने बिजनेस पर फोकस करें। बेहतरीन संभावनाएं सामने आएगी। व्यावसायिक उद्देश्य को लेकर कोई नजदीकी यात्रा संभव है। मार्केट में फंसी हुई पेमेंट वगैरह वसूल करने का उचित समय है। सरकारी नौकरी पेशा लोगों को विशेष अधिकार भी मिल सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। आज के दिन आपको थोड़ा परेशान करेगा। आप खुद को थोड़ा तनाव में पाएंगे। गर्दन में दर्द हो सकता है। आपके लिए सुझाव यह है कि हर 2 घंटे काम करने के बाद गर्दन को आराम दें तथा उठकर टहल लें, थोड़ा अंगड़ाई लें और शरीर को आराम दें। आराम के लिए मसाज या किसी थेरेपी की मदद भी ले सकते हैं। जैसे ही आप मसाज के लिए बैठें, अपनी समस्याओं को कुछ देर के लिए एक तरफ रखना ना भूलें। आज का उपाय, गरीबों को आज काली चीजों का दान करें बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।